जारी है, लेकिन किसानों के आगे केंद्र सरकार झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। किसानों में रोष को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले पंजाब जाने वाली मालगाड़ी बंद कर दी और फिर करोड़ों के फंड रोक दिए, और अब जो किसान पराली जलाएगा उस पर जुर्माना और सजा का ऐलान भी कर दिया गया है। इसी कड़ी में फरीदकोट के 14 किसानों के पराली जलाने पर पुलिस ने धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं दूसरी ओर किसान जथेबंदियों ने इस मामले को गलत ठहराते हुए कहा है कि पराली जलाना किसान की मजबूरी है। वहीं किसान जथेबंदियों ने FIR पर रोष जताया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। एक पत्र सीनियर अफसर वालों आया सी, जिहदे आधार ते 14 मुलजमान के खिलाफ परचा दर्ज होया टैणा पिंड दे, जिन्हां ने झोने की पराली नूं अग लाई सी। सर कोई जुर्माना भी कीता गया? नहीं, देखो हले तां तफ्तीश जारी है, उदू बाद कोर्ट च जाऊगा, उदू बाद कोर्ट की फैसला लैंदी आ उहदे आधार ते होगा। नहीं, ये पहला ही मामला है, पहला मामला दर्ज होया। सानू माल महकमे वालों लिख के आया साढ़े अफिसर, उहदे आधार ते सानू पत्र मिलिया, उहदे आधार ते मुकदमा दर्ज किया। जिहड़े परचे किए असीं इहदी निखेधी करदे हां, क्योंकि सरकार ने जो किसानां नूं साधन मुहैया कराउणे सन, सरकार आपदे वादे तों भज्जी आ। जिथे नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी यह गल कही सी कि किसानों जो साधन वो मुहैया कराओ, उस तो बाद अग लाने रोक लाई जाए। तो मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने भी दो बार पंजाब सरकार और चार होर स्टेट सरकारों प्रति किला 2500 रुपया देने का जो हुक्म किया, सरकार उस तो भज चुकियां। किसान अग लाउणी नहीं चाहता, किसान की मजबूरी है, क्योंकि किसान को ना तो हाई पावर ट्रैक्टर आ, ना वो संद आ जो वे संद चाहिए जमीन च मिलाने वास्ते। तो जमीन च मिलाने बड़ा वाला खर्चा आता, जिस बीमारियां भी पैदा होंगे,